राजस्थान में बीजेपी से रूठा जाट समाज। लोकसभा चुनाव में वोट न देने पर आज महापंचायत में बनेगी सहमति। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 25 पर पानी फेरेगा जाट समाज। भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को केंद्र के ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर उज्जैन के गांव जयचोली में करीब 40 दिन तक महापड़ाव डाला था, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद भी इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जाट समाज ने सीएम पर लगाए गंभीर आरोप, कहा झूठा निकला सीएम का आश्वासन। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में जाट समाज का वोट अहम है, क्योंकि जाट समाज के करीब 5 लाख के आसपास वोट हैं, जो लोकसभा चुनाव प्रत्याशी को हराने और जिताने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में बीजेपी से रूठा जाट समाज। लोकसभा चुनाव में वोट न देने पर आज महापंचायत में बनेगी सहमति। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 25 पर पानी फेरेगा जाट समाज। भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को केंद्र के ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर उज्जैन के गांव जयचोली में करीब 40 दिन तक महापड़ाव डाला था, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद भी इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जाट समाज ने सीएम पर लगाए गंभीर आरोप, कहा झूठा निकला सीएम का आश्वासन। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में जाट समाज का वोट अहम है, क्योंकि जाट समाज के करीब 5 लाख के आसपास वोट हैं, जो लोकसभा चुनाव प्रत्याशी को हराने और जिताने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में बीजेपी से रूठा जाट समाज। लोकसभा चुनाव में वोट न देने पर आज महापंचायत में बनेगी सहमति। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 25 पर पानी फेरेगा जाट समाज। भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को केंद्र के ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर उज्जैन के गांव जयचोली में करीब 40 दिन तक महापड़ाव डाला था, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद भी इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जाट समाज ने सीएम पर लगाए गंभीर आरोप, कहा झूठा निकला सीएम का आश्वासन। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में जाट समाज का वोट अहम है, क्योंकि जाट समाज के करीब 5 लाख के आसपास वोट हैं, जो लोकसभा चुनाव प्रत्याशी को हराने और जिताने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।